हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेट स्टडी प्रेपरेशन। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिज्म, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे बौद्ध धर्म के। तो उनका नेम था गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा को हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। जन्म कब हुआ था गौतम बुद्धा का? इनका जन्म हुआ था 563 BC में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था। इनका रियल नेम क्या था? बचपन में इनका नेम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का क्या नेम था? इनके पिता का नेम था सुदोधन, जो कि शाक्य क्लेन के राजा थे। तो शाक्य क्लेन से संबंध रखते थे गौतम बुद्धा, इसीलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का क्या नेम था? महामाया इनकी माता का नेम था। गौतम बुद्धा के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी फोस्टर मदर कौन थी? फोस्टर मदर कौन होती है? जो पालती है। तो इनकी फोस्टर मदर थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के नाम से इनका नेम पड़ा था गौतम बुद्धा। ठीक है, इनकी वाइफ का क्या नेम था? गौतम बुद्धा की वाइफ का नेम था यशोधरा। और इनके एक पुत्र था जिसका नेम था राहुल। इनके चैरियोटर का नेम था चन्ना और इनके हॉर्स का नेम था, घोड़े का नेम था कंथक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नेम था? कंथक। चार ऐसे सीन जिन्होंने महात्मा बुद्ध के हृदय को परिवर्तन किया। ठीक है, हृदय परिवर्तन किया। पहला था ओल्ड मैन, इनको आपने ऐसे ही सीरियल वाइज याद करना है जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद इन्होंने देखा था एक बुढ़े व्यक्ति को, और उसके बाद इन्होंने एक मृत्य शरीर को देखा था, और लास्ट में इन्होंने एक सन्यासी को देखा था, जिससे देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने गर्भ कब को छोड़ा था? तो महात्मा बुद्ध ने गर्भ को छोड़ा था 29 ईयर की एज में, जिसे हम कहते हैं महाभीष्णी कर्मा। ठीक है, तो महाभीष्णी कर्मणा किसे कहा जाता है? जब महात्मा बुद्ध ने अपने गर्भ को छोड़ा था, कब छोड़ा था? 29 ईयर की एज में। इनके दो गुरु हुए थे, पहले गुरु का नेम था अलार कलाम। तो अलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने योगा सीखा था, और दूसरे गुरु थे रोडरक रामपुत। रोडरक रामपुत से महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन करना सीखा था। उसके बाद 35 वर्ष की आयु में, 35 ईयर्स की एज में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये बुद्ध बन गए थे। कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल ट्री के नीचे निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 49 डे तक इन्होंने मेडिटेशन किया था एक पीपल के ट्री के नीचे। ठीक है, और निरंजना नदी के किनारे वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबोधि, और इंग्लिश में कहते हैं इनलाइटमेंट। ठीक है, और जो ट्री था जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह पीपल का ट्री, उसे हम कहते हैं बोधि ट्री। फर्स्ट सर्मन इन्होंने कब दिया था? पहला उपदेश कब दिया था? तो सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद, और इस घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तना। ठीक है, पहले उपदेश में इन्होंने क्या कहा था? पहले सर्मन ने इन्होंने 4 आर्यन ट्रुथ बताई थी। पहले कहा था सब दुखम, सारा संसार दुखों का घर है। और दूसरा कहा था दुख कारण, दुखों का कारण क्या है? जो हमारी इच्छाएं हैं वह ही दुखों का कारण है। तीसरे में क्या था? दुख निवारण, अगर हम इच्छाओं का त्याग कर दें तो दुख हो ही ना, नो सोरो, नो डिजायर नो सोरो। ठीक है, और फोर्थ में इन्होंने 8 फोल्ड पथ बताए थे। पहला था सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंड, दूसरा सम्यक संकल्पा, राइट थॉट, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सम्यक कर्मा, राइट एक्शन, सम्यक अजीव, राइट लाइवहुड, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं बुद्धा के 5 इवेंट। ठीक है, ग्रेट इवेंट और लाइफ एंड दे आर सिंपल, इनकी लाइफ से जुड़े जो सिंबल हैं उनको हम पढ़ेंगे। इनसे जन्म से जुड़ा जो सिंबल है उसे हम डिनोट करते हैं लोट्स और बुल से, और ग्रेटर एनोन्शिएशन जब इन्होंने घर को छोड़ा था उसे हम डिनोट करते हैं हॉर्स से, क्योंकि हॉर्स पर ही गए थे पहले जे घर से बाहर। और उसके बाद निर्वाणा, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था उसे हम डिनोट करते हैं बोधि ट्री से। फर्स्ट सर्मन को डिनोट करते हैं धर्म चक्र और व्हील से। परिनिर्वाणा को डिनोट करते हैं स्तूपा से। परिनिर्वाणा को डेथ ही कहते हैं, मृत्यु ही कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कब प्राप्त किया था? 80 ईयर्स की एज में 4
83 BC में कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जो वह तीन हैं जिन्हें हम त्रिपिटक के नाम से भी जानते हैं। एक टोकरी होती थी, उस पे पत्तों पे जो लिखते थे जे उसमें डाल देते थे, जिसको हम पटिक कहते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा त्रिपिटक। तो टोटल 3 त्रिपिटक हैं, जिनसे पहला है विनयपिटक, दूसरा सुतपिटक और तीसरा है अभिधम्मपिटक। विनयपिटक में क्या होता है, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं बौद्ध धर्म के, जिसको लिखा था उपाली ने। सुतपिटक में क्या होता है, बुद्धा की टीचिंग है, जिसको अनंदा ने लिखा था। अनंदा बुद्धा के सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है अभिधम्मपिटक, जिसे लिखा था मोगली पुत्र टीसा ने। इसमें क्या है, बुद्धिज्म की फिलॉसफी है, बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है। तो जो त्रिपिटक लिखे गए हैं उनकी लैंग्वेज कौन सी है, तो पाली स्क्रिप्ट में इनको लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का विभाजन दो बार हुआ है, पहले हुआ था 383 BC में। ठीक है, इसमें दो सेक्टों में बांट गया था बौद्ध धर्म। पहले थे सिथरवीर, जो कोई चेंज को अडॉप्ट नहीं करते थे, जैसे वैसे ही चलने दो। दूसरे थे महासंघिका, जो चेंज को अडॉप्ट करते थे। इन्होंने पहली बार वूमेन को शामिल किया था। तो वूमेन को पहली बार कौन से संघ ने शामिल किया था, महासंघिका ने। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद सेकेंड विभाजन हुआ था 1st century AD में। इसमें भी बुद्धिज्म दो भागों में बांट गया था, पहले थे हीनयान, दूसरे थे महायान। हीनयान कौन से थे, जो बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते थे। महायान कौन से थे, जो इडल वॉरशिप में विश्वास करते थे। ठीक है, तो इसके अलावा बौद्ध धर्म की 4 काउंसिल भी हुई हैं। तो ये काउंसिल के बारे में हम पढ़ते हैं। पहली हुई थी 483 BC में, जिसको कराया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु से आपने एक और बात याद रखनी है, ये हर्यंक डायनेस्टी से था और बुद्धा का समकालीन था। पूछ लिया जाता है बुद्धा के समकालीन राजा कौन कौन से थे। एक तो अजातशत्रु थे और दूसरे इनके पिता थे बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार से आपने बिंदुसार से कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि बिंदुसार गुप्ता डायनेस्टी से थे और बिंबिसार हर्यंक डायनेस्टी से थे। ठीक है, तो पहली काउंसिल हुई थी 483 BC में, अजातशत्रु ने करवाया था, राजगृह में इसको करवाया गया था। और इसके चेयरमैन कौन थे, महाकश्यप इसके चेयरमैन थे। इसमें बिना और सुतपिटक को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। दूसरी काउंसिल हुई थी 383 BC में, जिसको करवाया था काला अशोक ने। कहाँ पे हुई थी ये काउंसिल, ये हुई थी वैशाली में। और चेयरमैन कौन थे, सब्बा कमी। और इसमें 1st division हुआ था बौद्ध धर्म का, सिथरवीर और महासंघिका के नाम से। ठीक है, थर्ड काउंसिल हुई थी 255 BC में, जिसको अशोक ने करवाया था। कहाँ पे करवाया था, पाटलिपुत्र में। इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत्र टीसा। इसमें क्या हुआ था, अभिधम्मपिटक को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था, जिसको किसने बनाया था, मोगलीपुत्र टीसा ने ही बनाया था अभिधम्मपिटक को। उसके बाद फोर्थ काउंसिल कहाँ पे हुई थी, वह हुई थी 1st century में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। और इसके चेयरमैन थे वासुमित्र और डिप्टी चेयरमैन थे अशव घोष, जिन्होंने बुद्ध चरित्रा को लिखा था। इसमें 2nd division हुआ था बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो 3 रत्न पढ़ते हैं अब हम बौद्ध धर्म के। पहले थे बुद्धा, स्वयं बुद्धा, दूसरे थे धम्मा, जिनको कहते हैं सेरेमनी ऑफ बुद्धा। ठीक है, तीसरे थे संगा, जो कि बौद्ध के मौक होते थे, श्रद्धालु होते थे। बौद्ध साधु को संगा के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद पढ़ते हैं आगे, बुद्ध चरित्रा को किसने लिखा था। बुद्ध चरित्रा को लिखा था अशव घोष ने। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने कितने टाइम तक उपदेश दिया था, कितने टाइम तक प्रीच किया था, तो 45 years तक प्रीच किया था। तो इनकी टोटल एज थी 80 वर्ष। 35 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो प्रीच कितने टाइम किया इन्होंने, 45 वर्ष तक। तो पूछा जाता है संसार का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्टैचू, लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू बुद्धा का कहाँ पे है, तो ये है बमियन में। ठीक है, तो बुद्धा बौद्ध धर्म को कोरिया में किसने स्प्रेड किया था, फैलाया था, तो दिशा ने। बौद्ध धर्म के कुछ भिक्षुक हैं जिनके नेम हम याद रखेंगे, श्रीपुत्र, अनंदा, महाकश्यप,
अनुरुद्धा, उपाली और राहुल। तो डेट्स ऑल गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगला अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।